नायक सिद्धि विनायक मंगल दायक मोक्ष प्रदाता जय गणनायक सिद्धि विनायक मंगल दायक मोक्ष प्रदाता तो गाइज मैं आप सबको मिलाना चाहती हूँ, जिसके बारे में मैंने बताया था कि हमारे जो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे आ रहे हैं मेरे घर में, वो आ चुके हैं। काफ़ी टाइम हो गया था आए हुए। नहा धो के पूजा कर ली हूँ और अब मैं बना रही हूँ इधर छोले। और आज है वट सावित्री की पूजा, तो अभी हम लोग जाएंगे। फ्रेंड मैं तैयार हो गई हूँ और अब हम लोग जा रहे हैं पूजा करने। दीदी जा चुकी हैं, अब मैं जा रही हूँ। थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा तो बाइक से जाएंगे, सिवान से भी कूद रहा है। तो चलिए फटाफट मैं वहीं पे मिलती हूँ पूजा करते समय। कैसे पूजा करते नायक सिद्धि विनायक मंगल दायक मोक्ष प्रदाता जय गणनायक सिद्धि विनायक मंगल दायक मोक्ष प्रदाता हो तुम्हें ही सबके सुख दायक कष्ट हरो हे भाग विधाता रीति सिद्धि के दाता तुम ही हो रीति सिद्धि के दाता तुम ही हो पिता शुभ लाभ के हो भव दाता छोड़ी के गोदे माँ गौरी के आए तुम्हें आज भक्त तुम्हारा बुलाता छोड़ी के गोदे माँ गौरी के आओ तुम्हें आज भक्त तुम्हारा बुलाता। आ जाओ ज्ञानी की दाईनी बुद्धि प्रदायिनी दूर करो मन का अंधियारा मूढ़ हूँ मैं असहाय हूँ मैं जननी ममता का मत दो सहारा मूढ़ हूँ मैं असहाय हूँ मैं जननी ममता का मत दो सहारा मातु कृपा कृपा करे कष्ट हरो अपराध बिसारी के आजू हमारा हे जग जननी सुनो विनती शरणागत है यह दास तुम्हारा हे जग जननी सुनो विनती शरणागत है यह दास तुम्हारा भुजंगा हाथ त्रिशूल है नासक सूल वही डमरू के बजावने वाले मृग छाल सुशोभित है कटित मृग छाल सुशोभित है कटित अरु भक्त की लाज बचावने वाले हाथ त्रिशूल है नासक सूल वही डमरू के बजावने वाले हाथ त्रिशूल है नासक सूल वही डमरू के बजावने वाले तो फ्रेंड अभी मैं जस्ट पूजा करके आ गई हूँ। इतना ज़्यादा धूप हो गया, हम लोगों को निकलते निकलते 8:30-9 तो बज ही गए थे घर से, और अभी टाइम हो रहा है 11 बज गया पूजा करके आने में। थोड़ा दूर जाना था क्योंकि इधर आसपास कहीं बड़ा के पेड़ है नहीं, थोड़ा दूर जाना था। फाइनली हम लोग पूजा वूजा कर लिए, अब जो आ रहे हैं
हमारे गेस्ट प्यारे प्यारे, उनके लिए गेस्ट क्या है, हमारे घर के लोग हैं, हमारे अपने हैं, हमारे बच्चे हैं, तो उनके लिए मैं जा रही हूँ खाना बनाने जल्दी से छोला की, जैसे कि मैंने छोला बना लिया था, अब जा रही हूँ पूड़ी या फिर चावल, देखती हूँ जो खाएंगे वही बनाती हूँ। और सर में मेरे दर्द हो गया क्योंकि इतनी ज़्यादा धूप थी और बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो चलिए फटाफट मैं चेंज करके फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो गाइज, मैं आप सबको मिलाना चाहती हूँ, जिसके बारे में मैंने बताया था कि हमारे जो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे आ रहे हैं मेरे घर में, वो आ चुके हैं, काफ़ी टाइम हो गया था आए हुए, शाम दोपहर के टाइम 11 बजे तक आ गए थे, जैसे मैं पूजा करके आई तो उस टाइम पे नहीं मिलाई, सब लोग थक गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो अभी मैं मिलाने जा रही हूँ, ये है जो मेरी क्यूट सी बेटी है दीक्षा। दीक्षा हाय करो। हेलो। तो ये रही दीक्षा, और एक यूट्यूबर ही समझ लीजिए, वो भी मेरी तरह एक यूट्यूबर ही है, तो आप सब उसको भी प्लीज़ सपोर्ट करिए। कभी अंशुमान पांडे डेली ब्लॉगर्स का उसका चैनल है। ए इधर आना धीरज, इधर आना। तो ये है जो मेरा बेटा है, मेरी बड़ी बहन का लड़का है, ये भी एक यूट्यूबर है, प्लीज़ आप लोग इसको भी सपोर्ट करिए, जैसे मुझे 1K तक ले गए वैसे इसको भी ले जाइए और आगे भी ले जाइए, आप लोग सपोर्ट के भी हम लोगों को बहुत ज़रूरत है। तो ये रहा दूसरा, अभी तीसरी एक और आने वाली। ए गुन्नू आ जाओ, अब तीसरी वाली से भी मिला देती हूँ। तीसरी वाली रही ये, ये मुझे बहुत प्यार करती है मुझसे, मैं भी इससे बहुत प्यार करती हूँ, इसको मैं अपनी बेटी बना ली हूँ। तो ये आने के लिए बहुत ही ज़्यादा रो रही थी, और इसको जलन देखिए कितना हुई, ये बाहर से दौड़ के आ गया, ये मेरा बेटा है छोटा सा। तो ये रहे हमारे आज के मेहमान। तो अभी फ्रेंड शाम का टाइम हो गया, तो चल रही हूँ मैं चाय वाय बनाऊँगी। तो चलिए मैं चलती हूँ रात को खाने की तैयारी करने। इधर दीक्षा पढ़ाई कर रही है, उधर गुन्नू पढ़ाई कर रही है, उधर शिवांश बैठा है, इधर ये धीरज बैठा है, सब लोग बैठे हैं, और मैं चल रही हूँ खाने की तैयारी करने। देखती हूँ क्या छोला छोले भी रखे हैं, और थोड़ी सी दाल है, दाल को फ्राई करूँगी, रोटी बनाऊँगी। दीक्षा वही खा लोगे? हाँ, जो बच्चे खाने के लिए बोलेंगे वही बना लूँगी। तो चलिए इस वीडियो को ज़्यादा न लंबा करते हुए इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। मिलती हूँ मैं आप लोगों से अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और चैनल को प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलती हूँ मैं आप लोगों से अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।